हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने काफी चीज डिस्कशन करी थी एमडी सर के साथ, और आज सर से फिर टाइम लिया है और सर ने हम लोगों को टाइम दिया है। और आज के इस डिस्कशन का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि कुछ फर्दर लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपसे बातचीत करना सर के माध्यम से। और हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ अनूप सर भी हैं, जैसा कि सर यहाँ बैठे हुए हैं, और अखिलेश सर भी हमारे साथ में है, और साथ ही साथ नरेंद्र राठौर जी भी हमारे साथ में है यहाँ पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपको आज जो अपडेट हमने रिक्वेस्ट करी है सर से, उनका कीमती समय लेकर के लाइव के लिए, वो कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमने सर से रिक्वेस्ट किया डिस्कशन करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ नए जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में बातचीत करने के लिए। तो मैं चाहूंगा, चूंकि सर भी हैं, अनूप सर भी हैं, मित्र सर भी, सर तो किससे पहले बात कराइए, पहला सर जैसा आप सजेस्ट करें। अनूप जी, अनूप जी, तो पहले मैं सोचता हूँ कि नरेंद्र जी से पहले एक बार बात कराता हूँ। नरेंद्र जी आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं हम सभी यहाँ बैठे हैं आरएमसीएल के हेड ऑफिस में रिस्पेक्टेड एमडी सर के साथ में, और मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे हूँ और बहुत सारे टॉपिक्स पर हमारा डिस्कशन हुआ, और 3 दिन में काफी कुछ होने वाला है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको आज थोड़ी बहुत मिलेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, 1 मिनट के अंदर छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, इतना कहना चाहूंगा कि दोस्तों, अध्यापक और वक्त दोनों सिखाते हैं, फर्क क्या है? अध्यापक पहले सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, और वक्त पहले परीक्षा लेता है और फिर सिखाता है। तो अभी जो हमारा टाइम है ये परीक्षा का टाइम है, और मुझे पता है कि अगर आप सब लोगों का साथ रहेगा, और एमडी सर का, अनूप सर का, अखिलेश जी और भूपेन भाई बैठे हैं, इनका सबका साथ रहेगा, तो हम 100% इस परीक्षा के अंदर अव्वल नंबर से पास होंगे। यस और नो? देखिए, अभी जो हमें मौका मिला है, 1 मिनट और बात करना चाहूंगा, अभी हमें जो मौका मिला है आरएमसीएल यूनिवर्स के रूप में, ये शानदार मौका है नो डाउट, और लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। आपको आपकी जो किस्मत है वो मौका देगी, और आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। तो इन्हीं विशेष के साथ में मिलकर हम बड़ी प्लानिंग करेंगे आज, कुछ बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा। तो मैं ज्यादा समय ना लेकर के, और जो आगे जो हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं उनको हैंड ओवर करना चाहूंगा, हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे बड़े भाई अखिलेश जी। मैं चाहूंगा कि आप अखिलेश जी बताएं, अखिलेश जी आपको दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। साथियों नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, शानदार। फेस्टिवल सीजन के बाद मैं देख रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग आरएमसीएल बिजनेस डेवलपमेंट में पूरी नए जोश और जुनून के साथ में लग चुके हैं, और इसी जोश और जुनून को आगे बढ़ाने के लिए, आप लोगों को बहुत सारी कुछ नई सौगातें देने के लिए, आज हम सब लोग भी हेड ऑफिस में पिछले 2-3 दिन से आए हुए हैं, जैसा कि नरेश जी ने आपको बताया। तो बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग की गई है साथियों, जिससे कि आपका आने वाला समय में आपका बिजनेस बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो लास्ट मंथ का हमारा टारगेट था, आज मितेश सर हम सब लोगों के माध्यम से कुछ आपको ऐसी चीज देने वाले हैं जिससे कि अगले मंथ का टारगेट आपका मिनिमम 1.5 गुना होने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं जो अनूप जी, भूपेन भाई और मितेश जी आपको शेयर करेंगे, जो यहाँ पे निर्णय लिए गए हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, थैंक यू। और मैं अखिलेश जी को धन्यवाद दूंगा, आप लोगों का रोल अदा हुआ। आप लोग इसके बाद हमारे अनूप सर हमारे साथ हैं, और कुछ मैं चाहूंगा कि अनूप सर भी कुछ दो शब्द बोले, मतलब कि आपसे मुखातिब हो, बातचीत करें। तो सर कुछ आपका मैसेज या कोई बातचीत? साथियों नमस्कार, बहुत ही अच्छा लग रहा है, 3 दिन से 4 दिन से यहाँ पर है, कई फर्दर प्लानिंग जो हो रही है उसके बारे में जानकारी मिल रही है, कुछ एनिवर्सरी के बारे में सर फोकस बताएंगे आपको, कुछ एजुकेशन सिस्टम सपोर्टिंग सिस्टम कैसे पूरे इंडिया पैन इंडिया को हम हेल्प कर पाए, सपोर्ट कर पाए, उसके लिए कुछ डिस्कशन, अपकमिंग प्रोडक्ट्स और उनके बारे में जानकारियां, ट्रेनिंग सही समय तक पहुंच नहीं पा रही है या लिटरेचर सही समय तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारियां सर सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ थाईलैंड टूर को लेकर के भी, और उसके बाद होने वाले जबरदस्त धमाल के लिए तैयार हो जाए। मैं नहीं चाहूंगा कि समय
लिया जाए। सर से ही मैं चाहूंगा कि सारी बातें उन्हीं के श्रीमुख से की जाए। वी आर सो लकी, इतने एनर्जेटिक, इतने मल्टी टैलेंटेड और इतना फोकस्ड और इतना विजन वाले एमडी के साथ हम हैं। रियली वी फील ब्लेस्ड कि सर हमारे साथ है, इतने शानदार लीडरशिप हमारे साथ है। आप और हम मिलकर धमाल करेंगे, तैयार रहे। आइए सर, अब आपकी बारी है। बहुत अच्छा तुम लोगों ने फंसाया मुझे। ये टेक्नोलॉजी भी बहुत जबरदस्त चीज है। परसों ऐसे कैजुअली हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे और काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स फीडबैक आया कि जब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं आता है या जब तक राइट टाइप के ब्रोशर्स और ट्रेनिंग नहीं होती है, इसी माध्यम को यूज किया जाए और प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी हम लोग दे पाए। और सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एक कल से जो डिस्कशन चल रही थी, इसमें सेलिब्रेशन प्रोग्राम, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम की प्लानिंग है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक फीडबैक आई है कि क्यों ना इसे डिसेंट्रलाइज वे में किया जाए। तो 6 लोकेशन आइडेंटिफाई किए गए, कलकत्ता, बॉम्बे, चंडीगढ़, सेलम, पटना और गुवाहाटी। पटना तो मतलब ये जो के अंदर से कोई एक सिलेक्ट होगा। अभी टेंटेटिव प्लानिंग है, आपको सारी प्लानिंग बता दी जाएगी। अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग लोकेशन में रहेगी। इसके सिवा 100 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए, ऐसे लोकेशन डिस्कस किए गए जिसमें अगले 3 महीने में बेहतरीन तरीके से फोकस किया जाएगा। वहां पर डीओपीज, एलडीपीज, जैसे कि हम लोग सेलिब्रेशन प्रोग्राम करते हैं वहां के लोकल अचीवर्स का, वो सारे प्रोग्राम्स बहुत टेक्निकल तरीके से किए जाएंगे। तो इस बात की भी आपको जानकारी दी जाएगी। कल मैं कुछ प्रोडक्ट्स की बातें कर रहा था और बाद में मुझे काफी फीडबैक आया कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में और विस्तृत रूप में जानकारी आपको मिले तो आपके बिजनेस के लिए बेहतर रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। एक प्रोडक्ट जो मेरे दिमाग में आ रहा था, एक बीमारी जो मेरे दिमाग में आ रही थी, यदि हम उसके ऊपर फोकस करें तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो सकता है। वो बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज अमूनन हम लोग अपने चारों तरफ देखेंगे तो 40-50% लोगों के अंदर पाई जाती है। आधे लोगों को पता भी नहीं होती कि उनको डायबिटीज है। इस बीमारी के ऊपर फोकस करना एक बहुत अच्छा कमर्शियल वायबल प्रपोजिशन है, यानी कि ये व्यापारिक रूप से भी बेहतरीन एरिया है जिसपे फोकस करके हम अपना बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। डायबिटीज हमें लगता है, जैसे मानते हैं लोगों को, कि ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाता है उसे हम डायबिटीज कहते हैं। ट्रेडिशनली जो एलोपैथ की दवाइयां अवेलेबल है, इसमें प्रैक्टिकली डॉक्टर्स करते क्या, डॉक्टर्स जो है वो या तो पेंक्रियास को इंड्यूस करते हैं दवाइयां देंगे कि वो ज्यादा इंसुलिन पैदा करे, या खून के अंदर इंसुलिन डाल देते हैं आर्टिफिशियल रूप से, यानी क्या तो पेंक्रियास के ऊपर वो लोग दवाइयां देंगे और इंसुलिन पैदा करेंगे, या ब्लड में आर्टिफिशियल इंसुलिन इंफ्यूज करेंगे। यही एक तरीका है ऑल्टरनेट मेडिसिन में, मतलब ये एलोपैथ वाली मेडिसिन में डायबिटीज को कंट्रोल करने का, क्योर कोई नहीं करता। आरएमसीएल के पास जो दवाइयां हैं, एक पूरी सीरीज है और मेडिकल बुलेटिन में भी उनका जिक्र है। आपको ये देखना है कि आपका डायबिटीज का पेशेंट किस लेवल तक ग्रसित है। सबसे पहले जो हम दवाई यूज करते हैं उसका नाम है डायफ्री लिविंग, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, ये ब्लड के अंदर जाकर प्रोडक्ट ये रहा। ये है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है और इजीली अवेलेबल है शॉप में, अवेलेबल डायफ्रिल, डायफ्रिल लिविंग कहते हैं। तो एल जो है वो कैपिटल है, इसके लिए डायफ्रिल वर्ड पॉपुलरली यूज होता है, पर इसका पूरा नाम है डायफ्रिल लिविंग। देखिए आप समझ के चलिए कि इंसुलिन जो है वो एक टैक्सी की तरीके से है। जो डायबिटीज की बीमारी है वो शुगर की बीमारी नहीं है, वो एसिडिक शुगर की बीमारी है। होता क्या है कि हम लोग मैदा, नमक और सैचुरेटेड ऑयल जब खाते हैं तब वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट शुगर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यदि हम मैदा वगैरह खाते हैं तो ये जो शुगर है ये एसिडिक हो जाता है, और ये एसिडिक शुगर जब ब्लड में जाता है, इंसुलिन के ऊपर बैठकर सेल तक पहुंचता है, तो सेल उसे एब्सॉर्ब करने में रेजिस्टेंस पैदा करता है, मना कर देता है कि तुम एसिडिक शुगर हो, तुम्हें यदि मैं एब्सॉर्ब कर लूंगा तो मेरे अंदर कैंसर हो जाएगा। यानी वो सेल जो है
एक एसिडिक शुगर को अपने अंदर आने नहीं देता। दिमाग को ऐसा लगता है कि शुगर ब्लड में बढ़ गया है, तो पैनक्रियास को मैसेज देता है कि भैया और टैक्सी पैदा करो, यानी और इंसुलिन पैदा करो। तो होता क्या है कि हमें लगता है कि इंसुलिन की कमी है या शुगर ज्यादा हो गई है और हम उसे डायबिटीज कहते हैं। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है एसिडिक शुगर की। और एसिडिक शुगर आजकल का जो हमारा खान पान है, इसमें मैदा, नमक और सैचुरेटेड ऑयल, ये बहुत बड़ा इसके अंदर रोल निभाता है और इसे हम अमूमन अवॉइड नहीं कर पाते। तो डाई फ्री लिविंग क्या करता है, डाई फ्री लिविंग एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये आपके ब्लड में जाता है। आपने डोजियर में भी देखा होगा कि हमने इसके लिए पंचलाइन यूज की है, कन्वर्ट शुगर इंटू एनर्जी डायरेक्टली, यानी ये आपके ब्लड में जाकर शुगर को एनर्जी में तब्दील कर देता है। ना तो पैनक्रियास के साथ कोई काम करता है, ना ये इंसुलिन के साथ कोई काम करता है, ये आपके ब्लड शुगर को स्ट्रेट अवे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इससे होता क्या, इससे ये होता है कि एक जो लिथार्जिक साइकिल बन जाती है, एक आलस वाली साइकिल बन जाती है, जिसमें डायबिटीज पेशेंट को आपने देखा होगा कि उससे चलने फिरने में बड़ा मतलब आलस आता रहता है, ये प्रोडक्ट लेते के साथ में वो खुद ही चलना फिरना शुरू कर देता है, तो मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है। मेटाबॉलिज्म शुरू होने से जो एसिडिक शुगर है वो ब्लड से निकल के एक्सक्रीशन के माध्यम से, यानी पेशाब या मल के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो बॉडी को एसिडिक शुगर से फ्री कराना है, न कि शुगर लेवल को कम करना है या इंसुलिन लेवल को बढ़ाना है, वो डेफिनेटली एक तरीका है, परंतु जो राइट तरीका है वो ये है कि एसिडिक शुगर से बॉडी को निजात दिलानी हो। अब होता क्या है, हमने बहुत सारी दवाइयां लिखी है डायबिटीज के क्योर के लिए, उसे आपको समझने की जरूरत है। एक दवा हमने लिखी है कोएंजाइम Q10। ब्लड शुगर बढ़ने से ऑर्गन जो है, ये दवा है, कल भी मैं इस दवा के बारे में बात की थी, कोएंजाइम Q10 हार्ड वर्किंग मसल्स के ऊपर काम करता है। डायबिटीज ऑर्गन की मसल्स को वीक कर देता है, हर एक ऑर्गन को वीक कर देता है। तो कोएंजाइम Q10 से क्या होता है कि ऑर्गन की मसल्स स्ट्रांग होती है, लीवर की मसल स्ट्रांग होती है, पैंक्रियास की मसल स्ट्रांग होती है, आंखों की मसल स्ट्रांग होती है, हार्ट की मसल स्ट्रांग होती है, किडनी, सभी मसल्स को स्ट्रांग करने की जरूरत है, उसे रिजुविनेट करने की जरूरत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका डायबिटीज पेशेंट कितना पुराना डायबिटिक पेशेंट है। यदि वो पुराना डायबिटिक पेशेंट है तो उसके ऑर्गन्स पे ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज हो चुका है, तो हमें उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये दो प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट। इसके अलावा एक ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट है, उसका नाम है डायबोसिफा, एक प्रोडक्ट है जो यूनानी है, और अगेन वो भी एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, प्रोबायोटिक के साथ आया हुआ है। उसके अंदर नीलोफर के फूल, मैं दिखाता हूँ आपको, ये है डायबोसिफा, ये यूनानी प्रोडक्ट है और इसके अंदर बेहतरीन चीजें डाली गई है, जैसे जामुन का बीज डाला गया है, नीलोफर का फूल डाला गया है, ये सब आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, लीवर और पैनक्रियास दोनों को हेल्दी बनाएगा। इसके सिवा एक सिरप है हमारे पास डायबोक्योर नाम से, ये भी आप ले सकते हैं, ये आप सुबह सुबह लें, ये प्रोडक्ट है, सुबह आपको 30 ml के आसपास ये प्रोडक्ट को लेना है। तो तकरीबन आपको फिलॉसफी समझनी पड़ेगी कि डायबिटीज को किस तरीके से दूर करना है। अब डायबिटीज के साथ यदि गैंग्रीन हो गई है तो इजोहिल करके प्रोडक्ट है, परंतु गैंग्रीन नहीं है तो आपको इजोहिल देने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका डायबिटिक पेशेंट कहां तक पहुंचा है। दूसरा, डायबिटीज के साथ साथ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, यदि डायबिटिक पेशेंट मोटा है तो आप स्ट्रेट अवे उन्हें स्लिम स्टेम और कैक्टिलोपोज, जिसके बारे में मैंने कल बात की थी, आप वो दे, उससे क्या होगा, बॉडी का फैट कन्वर्ट होगा एनर्जी में और जितना एसिडिक शुगर है वो कम होगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि यदि डायबिटीज की वजह से किसी की आंखों पर फर्क पड़ रहा है तो आप लुमाटी भी दे सकते हैं। यदि आप देख रहे हैं कि डायबिटीज की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, ये सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती है, डायबिटीज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ये कॉम्प्लिकेशन, ये ट्राइंगल आपको देखते हुए चलना है, सामने वाले की स्थिति को देखते हुए चलना है। सारे प्रोडक्ट्स आपको लिख के बताए गए हैं। आप कोलेजन स्टेम का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है डायबिटीज के साथ साथ में, और सारे प्रोडक्ट बहुत सेफ है और बेहतरीन लोगों के साथ में बनाया हुआ, BASF, कल मैंने आपसे बात करी थी, मिबेल बायोकेमिस्ट्री, निक्सीरा, ये स्ट्रेट अवे एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट है जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग में तो नहीं है, ट्रेडिशनली अवेलेबल है कुछ प्रोडक्ट्स मगर बहुत महंगे, तो यहाँ पर एक अफोर्डेबल कैटेगरी में हमने डायरेक्ट सेलिंग में बेहतरीन प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश की है। आज आपसे मैं एक और टॉपिक पर बात करना चाह रहा था, वो टॉपिक है इलाइट रॉयल क्लब और रॉयल क्लब।
रॉयल क्लब का मतलब है यदि आप अपनी आईडी पर 5000 बीवी का सामान लेते हैं 10 तारीख से पहले पहले, और इलाइट रॉयल क्लब हर महीने 1 से 10 के बीच में ले लें आप, ताकि आपके पास 20 दिन रहे मार्केटिंग करने के लिए। और वैसे आप इलाइट रॉयल क्लब में जा सकते हैं 25000 बिजनेस वैल्यू का माल अपनी आईडी पर खरीद कर उसे रिटेल करके। इससे होगा क्या समझिए, आप हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर से जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आते हैं उन प्रोडक्ट्स को आप लेते हैं। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर 2+1 का ऑफर निकाला गया और ये लंबी अवधि तक रहेगा, यानी आप अपना बिजनेस प्लान कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। इन प्रोडक्ट्स को यदि आप अपनी आईडी पर परचेज करते हैं, पहली बात एमआरपी डीपी का ठीक ठाक सा डिफरेंस है, 10-15% वहां बच जाता है। दूसरा आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस बोनस जो क्यूमुलेटिव की बात चल रही थी वो इस महीने से आपका ये जो पे आउट कैलकुलेट हो रहा है ये क्यूमुलेटिव तरीके से होगा, यानी 15% परफॉर्मेंस बोनस आपका तैयार हो जाता है। यदि आप 5000 का भी माल लेते हैं तो एक रिटेलर पॉइंट करीबन 310 या 320 रुपए का है। यदि आपके नीचे भी कोई भी काम नहीं कर रहा तो भी 30-40% आपको कैशबैक मिलता है। कैशबैक ही सिर्फ कारण नहीं है कि आपको रॉयल्टी क्लब में जाना चाहिए, आप इन प्रोडक्ट्स को लेकर अपने दोस्तों में जब इन्हें बेचने की कोशिश करते हैं तब ये प्रोडक्ट्स ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करते हैं। जब ये प्रोडक्ट्स बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे तो वो आपके दोस्त रिलेटिव या जानने वाले लोग आपकी डाउनलाइन में आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो अब हमें फोकस को शिफ्ट करता है। आज तक हमने फोकस रखा, और जब एक कंपनी शुरू होती है तो डेफिनेटली प्लान के ऊपर बहुत बड़ी बातें होती है, पे आउट्स के ऊपर बहुत बड़ी बातें होती है, और आप देख ही रहे होंगे कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन पे आउट वाला प्लान आरएमसीएल कर रहा है। पर हमें लगता है कि अब गियर शिफ्ट करने की जरूरत है, अब प्रोडक्ट ब्रांड एम्बेसडर बने, क्योंकि हमें फक्र है अपने प्रोडक्ट्स पे। हर एक प्रोडक्ट बेहतरीन है, परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो यदि हम प्रोडक्ट्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाए, यदि 5000 का या 25000 बीवी का माल हम अपने अड़ोस पड़ोस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहली बात तो हमारा कमर्शियली बहुत एडवांटेज है, उसमें 40% का एडवांटेज है। दूसरा, ये प्रोडक्ट जब परफॉर्म करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ने के लिए ललायक रहेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होगी और आपका बिजनेस बड़ा होगा। इसी एक पॉइंट को आप अपनी टीम में प्रमोट करें। मुझे लगता है रॉयल क्लब और रॉयल एलीट क्लब, ये दोनों मील का पत्थर साबित होंगे आरएमसीएल के लिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वहां लेकर आए। एक और फीडबैक आ रहा था कि शॉप्स का और डेपो का ऑफर्ड प्रोडक्ट के लिए इंसेंटिव कम कर दिया गया था, हम लोग पॉजिटिवली कंसीडर कर रहे हैं उसको और 2-3 दिन में उसे इंप्रूव कर लेंगे। हमारी कभी भी थिंकिंग नहीं रहती कि यदि हम डिस्ट्रीब्यूटर का फेवर करें तो हम अपने लॉजिस्टिक्स और अवेलेबिलिटी के जो बैकबोन होती है वेयर हाउस डेपो शॉप उनको कहीं से डैमेज करें, परंतु 2+1 फ्री करना था तो एक थर्ड प्रोडक्ट का फंड इसी में से निकालना था। कंपनी ने भी काफी कॉम्प्रोमाइज किया है, आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और बिजनेस वैल्यू ये दोनों चीजें टच नहीं की गई, उसी चीजों के साथ में थर्ड प्रोडक्ट को फ्री किया गया, और ये लॉन्ग टर्म तक हम चलाना चाह रहे हैं ताकि आप लोग 5000 और 25000 का जो बिजनेस है उसको प्लान कर सके ठीक तरीके से। अपने सराउंडिंग में आप देखिए कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपके यूज के हैं, आप अपना मोबाइल फोन उठा के देखिए कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। आजकल हम लोग फेसबुक पर लाइव हुए, इतने सारे लोग 5-6 हजार लोग, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है, पहले नहीं था ये सब। आज के डेट में आपके फोन के अंदर कम से कम 1000 लोग हैं जो पोटेंशियल है आपके बिजनेस में जोड़ने के, तो उन्हें प्रोडक्ट्स के साथ में जोड़िए आप। और ये 5000 और 25000 बीवी का जो क्राइटेरिया है, इसमें आप 10 महीने के बाद दमन भी आते हैं और एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। अक्सर हम लोग मीटिंगों में आ जाते हैं, इतनी मुलाकात नहीं हो पाती, तो आप लोग आएंगे और 1-2 दिन हमारे साथ रहेंगे तो आप हमें नजदीकी से जानेंगे, हम आपको नजदीकी से जाएंगे। एक रिलेशनशिप एलीट क्लब में कपल, एलीट क्लब में तो कपल है तो आप अपनी वाइफ को भी ला सकते हैं, और वाइफ सेट तो फिर दुनिया सेट, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। सर, हम लोग सारे बहुत ज्यादा काम करते हैं। सर, एक बात और थी, डायबिटीज को लेकर के स्टीविया को लेकर काफी कुछ डिस्कशन आता है, तो वो उसको लेकर के स्टीविया एक शुगर रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है। तो यदि हम देखिए, आपको क्या करना है, आपको कैलोरीज इनटेक को कम करना है, जो नेचुरल शुगर है उसमें कैलोरीज ज्यादा है और स्टीविया में कैलोरीज कम है, तो आप क्या करते हो, बेसिकली अपने बॉडी के अंदर कैलोरी कम लेते हो और कैलोरीज को ज्यादा जलाते हो,
यदि आप पतला होने की कोशिश करते हो तो आपका डायबिटीज ऐसे ही कम हो जाता है। देखिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं, शुगर को स्टीविया से, हाँ शुगर को स्टीविया से रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि इसमें कैलोरीज नहीं है, बहुत ही कम कैलोरीज है और टेस्ट भी बहुत डिफरेंट नहीं, थोड़ा सा एक बार अटपटा लग सकता है आपको। और जो डायफ्रिल है ये भी बड़ा टेस्टी है, इसको तो लेने के तरीके भी बड़े नायाब है, लोग पानी में ले लेते हैं, दूध में ले लेते हैं, चाय में ले लेते हैं, जैसे भी उन्हें इच्छा होती ले सकते हैं और टेस्टी है, मतलब कोई ऐसा टेस्ट खराब नहीं करता प्रोडक्ट का। अब आपको एफटीबी में ओपन चॉइस का जो डिस्कशन है, एफटीबी में ओपन चॉइस का डिस्कशन चल रहा है कि एक आपको एक सीरियस पॉइंट पे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए कंपनी ने एफटीबी और डीआरबी ये दो चीजें कस्टमर एक्विजिशन के लिए इंट्रोड्यूस की है, उसमें एफटीबी पहले आ गया था, डीआरबी बाद में आया। डीआरबी का मतलब क्या है कि आपकी जड़ें जो है ना विड्थ में ऐसे जाती है, और एफटीबी का मतलब है आपकी जड़ें डेप्थ में ऐसे जाती है। अब आपको बैलेंस बनाना है, जिस पेड़ की जड़ें डेप्थ और विड्थ दोनों में चलती है वो पेड़ बड़ा मजबूत होता है, बरगद का पेड़ होता है वो, और खाली डेप्थ में जाती है तो फिर वो गाजर जैसा हो जाता है, खाली विड्थ में जाती है तो छोटा मोटा तूफान उन्हें उड़ा सकता है। तो आपको बिजनेस को प्लान करना पड़ेगा और हमारी गुजारिश है आपसे कि आप 1250 या 2500 एफटीबी को डीआरबी के साथ क्लबिंग करिए। डीआरबी के बारे में बात करने जाए तो मैंने काफी ट्रिप करी थी, आपको पता है दो दो घंटे बात कर सकते हैं और आज इतना मौका नहीं है कि डीआरबी पे फिर से बात करें। आप लोग एक बैलेंस क्रिएट करिए डीआरबी और एफटीबी का, और उसको इजी करने के लिए अभी हमने क्या किया कि एफटीबी के प्रोडक्ट्स ओपन कर दिए, आप खुद ही अपने किट बनाइए। आप खुद जैसे अभी बीमारियां हैं, समझिए हम किसी के पास जाते हैं, कुछ बीमारियां उनके लिए, कुछ बीमारी उनकी पत्नी को होती है, कुछ बीमारी उनके पिता को होती है, कुछ बच्चों के लिए, जैसे यमी गमी करके प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो हम यहाँ बैठकर इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसे भी हमारी 50-60 किटें हो गई थी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी किट खुद डिजाइन करके 2500 एफटीबी या 1250 एफटीबी या 5000 एफटीबी इसके साथ में डीआरबी को क्लबिंग करिए, तो विड्थ में भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी और डेप्थ भी बड़ी स्ट्रांग होगी। और जैसे ही लोग आ चुके हैं उन्हें 5000 बीवी या 25000 बीवी की रीपर्चेस के लिए प्रेरित करिए। यही एक बिजनेस है जो लॉन्ग टर्म आपको स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, रीपर्चेस के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो 2+1 का ऑफर है प्लस रिटेलर पॉइंट है, ये यदि आप सही तरीके से इसके ऊपर डेप्थ से वर्किंग करें। अभी हम लोगों ने एक पीडीएफ निकाला था जिसमें सारे ऑफर्ड प्रोडक्ट एक साथ डाले थे, आप एक बार उस पर वर्किंग करके पेपर पेन लेके वर्किंग करिए, आप देखेंगे कि 40-45% तक आपको छूटता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है, एमआरपी डीपी का डिफरेंस मिल जाता है, परफॉर्मेंस बोनस का 15% मिल जाता है और रिटेलर बोनस मिलता है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम हो रहा है तो आपको एलडीपी भी मिलेगा, आपको रॉयल्टी भी मिलेगी। तो आप एलडीपी और रॉयल्टी रिलेटिव हो जाएगा कि आपकी कहाँ पे क्या पोजीशन है और कैसी ऑर्गेनाइजेशन, पर बाकी सारी इनकम तो आप यदि डेप्थ में फर्स्ट आईडी है तो भी आपको मिल रही है। आप इसे सही ढंग से प्लान करें। और आरएमसीएल एक ऐसी कंपनी है जो दोस्तों में की जा सकती है। आज की डेट में आप देखेंगे कितनी सारी कॉइन की कंपनियां, कमिटमेंट प्लान, इस टाइप की कंपनियां जो आए दिन आती रहती है, ये इंडस्ट्री को दागदार करती है। अपनी कंपनी एक ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट्स स्पीक करेगा, प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा। तो आप अपने दोस्तों को, कॉलेज के दोस्तों को, स्कूल के दोस्तों को, रिलेटिव को, ससुराल वालों को, पड़ोसियों को, हर किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 25,000 बिजनेस वैल्यू का आप माल परचेज करिए, रिटेल करिए उनको, और जैसे ही प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा आप उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ सकते हैं। और 1 का 10 यदि सही तरीके से प्लानिंग की जाए तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने 1:10 जा सकता है। तो रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम में इसे एनकरेज करिए और आप खुद एक एग्जाम्पल बनिए। पहले आप खुद करें और अपनी टीम में प्रमोट करिए इसको, और जो दमन आने का 10 महीने का और 7 महीने का है उसको आप देखिए कि आप लोग टीम के साथ आ पाए, ताकि भी मिलना हो जाएगा आपका, एक टीम में हो जाएगा, हम लोग उसे प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों की एक टीम हमारे साथ रहे। जरूरी नहीं कि सारे लोग इकट्ठे हैं, परंतु एक एक टीम, छोटी छोटी टीम के साथ में पर्सनल टाइम स्पेंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे एक दूसरे की स्ट्रेंथ को, उसको और कैपिटलाइज कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज बात करके आपसे। और ये टेक्नोलॉजी रॉयल क्लब के बहुत सारे अचीवर्स गुवाहाटी असम नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, तो आप उनसे मिलने जाएंगे वहां पर, अब उनके ऊपर बुलाते हैं कि मैं उनको बुलाऊं।
नहीं, हम सभी की विशेष भी है कि एनिवर्सरी के प्रोग्राम हो रहे हैं और जितने भी हमारे साथ के लोग हैं वो सभी लोग अपने लेवल को ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अचीव करें और बड़े लेवल के साथ एनिवर्सरी। बिल्कुल, मैंने देखा कि दमन तक आना नॉर्थ ईस्ट से बहुत मुश्किल होता है, फिर 10 लोग आते आते 2 ही लोग आते हैं और खर्च भी बढ़ जाता है। तो इस बात पर तो राय है कि हम लोग इसे डिसेंट्रलाइज करेंगे प्रोग्राम को। जहां तक एलीट रॉयल क्लब का और रॉयल क्लब का सवाल है, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा। हर महीने हो जाएगा, आप देखिए यदि कोई भी व्यक्ति शुरू करता है तो हर 7वें महीने पे वो क्वालिफाई कर रहा होगा, तो हर महीने तो आना मुश्किल होगा, परंतु हर 2 महीने में मैं या अभिषेक भाई आने की कोशिश करेंगे वहां पे और आपके साथ में तरीके से टाइम स्पेंड करेंगे। देखिए, हम लोगों का एक ही फर्ज है कि आपने हम पे विश्वास किया, आपका करियर बेहतरीन तरीके से, तेजी से, लीगली और इस तरीके से बने कि हमें और आपको फक्र हो अपने काम पर। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम नहीं कर सकते मार्केट में होती है, जैसे बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बात करी कॉइन कमिटमेंट, ये सब, इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। दूर रहते हुए हमें कॉम्प्रोमाइज लाइफ भी नहीं चाहिए, तो हमें पैसा तो बेहतरीन तरीके से कमाना है। होता क्या है कि हम लोग लिथार्जिक हो जाते हैं कभी कभार, हम लोग नेगेटिविटी में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम पॉजिटिव चीजें देखना ही भूल जाते हैं। जैसे जीएसटी आई तो कुछ एक सेटबैक रहा, प्राइसेस बढ़ी, डिस्ट्रीब्यूटर के इंसेंटिव पे हमें जीएसटी नंबर चाहिए था, और बहुत अच्छा हुआ कि भारत सरकार ने इसे 31 मार्च तक के लिए काफी रिलीफ दी है। तो ऐसी जब चीजें आती है तब हमें इकट्ठे होकर काम करना होता है, कोई इस टाइप की चीजें हमारे बस में नहीं होती। तो अब तो खैर जीएसटी 31 मार्च तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, ऑलमोस्ट कंपनी की तरफ से इसे एज इट इज कंडीशन में हम चला रहे हैं। 31 मार्च के लिए तैयारी रखिए, हो सकता है कि 31 मार्च के बाद जीएसटी नंबर सबको लेना पड़ जाए। अब चूंकि 4-5 महीने ही बचे हैं तो आपकी स्लैब में शायद बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, पर तो अभी से तैयारी रखिए। बहुत सारे वक्त हम देखते हैं कि लोगों को पे आउट नहीं जा पाते क्योंकि उनके केवाईसी कंप्लीट नहीं होते। आप अपनी टीम में एक व्यक्ति को लगाकर ये सब छोटी छोटी चीजों को इम्प्रूव करिए, बिकॉज छोटी सी भी नेगेटिविटी कंपाउंड होती है। ये बिजनेस एक कंपाउंडिंग का है, एक छोटी सी हम नेगेटिविटी छोड़ देते हैं तो 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000 होता है। उसी तरीके से हम पॉजिटिविटी को यदि बो दें इसमें तो वो भी कंपाउंड होगी, वो भी 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000 होगी। तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी को कंपाउंडिंग करते चलना है, और पूरी मेहनत है, और मैं बहुत लकी हूँ कि जो हमारी लीडरशिप है इस कंपनी की, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, आई एम प्राउड ऑफ माय लीडरशिप, कि ये लोग अपने लोगों के लिए इतना ज्यादा संजीदा है और हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने के लिए लगे रहते हैं। एक एजुकेशन सिस्टम जिसके बारे में अभी अनूप जी बात करेंगे, उसका ये शुरुआत कर रहे हैं, मेरा पूरा सपोर्ट है किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए जो तरीके से चीजों की जानकारी देता हो, प्लान की जानकारी देता हो, हैंड होल्डिंग करता हो, स्किल डेवलपमेंट करता हो, प्रोडक्शन देता हो। तो सर एक एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं, मेरा पूरा सपोर्ट है, और ना सिर्फ इस एजुकेशन सिस्टम के लिए, हर एजुकेशन सिस्टम के लिए है। तो आप लोग इस एजुकेशन सिस्टम में एंटर करें, और देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डाउनलाइन के प्रति संजीदगी से आपको निभानी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि लोग वहां पर सक्सेसफुल हो, वहां पर उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग, उनकी कमिटमेंट। बहुत दफा लोग भटक जाते हैं, उन्हें वापस लाना पड़ता है। फ्रीक्वेंट प्रोग्राम, इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्राम ज्यादा होने चाहिए, भले छोटे हो परंतु वो प्रोग्राम इंटेंसिव हो, फ्रीक्वेंटली हो और अपने पांव पर खड़े हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वहां का लोकल लीडर जो है उसे फंडिंग कराओ, ये चीज शुरू नहीं करिए, क्योंकि ये डुप्लीकेटेबल नहीं है, ये एक्सपेंडेबल नहीं है। हर व्यक्ति को आप इतना कंटेंट दीजिए उस मीटिंग में कि जो छोटी मोटी टिकट का जो पैसा वो देता है उसे फील हो कि इस टिकट से 10 गुना ज्यादा मुझे मिला है, ताकि अगली बार मीटिंग के लिए वो ललायक रहे। कंटेंट मीटिंग के बहुत जरूरी है, खाली तालियां बजवाना, खाली हो हल्ला करना, ये उद्देश्य नहीं हो सकता। वो भी जरूरी है, मोमेंटम चाहिए, एनर्जी चाहिए, परंतु कंटेंट जो है, अपनी मीटिंग का कंटेंट ऐसा हो कि अगली बार जब आपकी मीटिंग, तब लोगों को लगे कि ये 50 रुपए नहीं, ये तो 500 रुपए के लाइक का कंटेंट मुझे मिला है। तो आप लोग भी फोकस करिएगा, और बहुत लंबी बात कर ली मैंने काफी सारे, और मैं कोशिश करूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और बहुत इजी वे लग रहा है मुझे, पता नहीं अभी तक ये दिमाग में आया क्यों नहीं, मगर जब जागे तब सवेरे। तो मैं मिलता रहूंगा आपसे, और अभी मैं चाहूंगा कि अनूप जी आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें, क्या तैयारियां चल रही है उसके बारे में बात करें, नरेंद्र थोड़ी बहुत बात करें, और आपसे मिलता रहूंगा।
थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. अभी मैं देख रहा था सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही प्यार उमड़ रहा है सभी लोगों का. ये बहुत ही अच्छी पहल है, शुरुआत है एजुकेशन का. मतलब हम पूरे पैन इंडिया पे कवर कर रहे हैं कि अभी बिफोर एनिवर्सरी जो हम 5 या 6 प्रोग्राम कर रहे हैं उससे पहले पैन इंडिया हर स्टेशन पे हमारी रीच बन पाए, हमारे डायमंड्स की रीच बन पाए. अखिलेश सर यहाँ पर है, नरेंद्र जी यहाँ पर है, हम सब लोग मिलके आपको बिजनेस को ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करना चाहते हैं, वहां पे हर प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाना चाहते हैं और उसको किस तरह से ज्यादा बड़ा बनाया जा सके उसके ऊपर फोकस है. तो मैं चाहूंगा 2 शब्द यहाँ पे नरेंद्र जी और अखिलेश सर भी उसमें शेयर करेंगे क्योंकि ये साथ ही है. साथियों, बहुत दिनों से डिमांडेबल चीज थी एजुकेशन सिस्टम. हम लोगों को बहुत अधिक मात्रा में लेकर के आ तो गए बिजनेस में, लेकिन उनको सस्टेन नहीं कर पा रहे, उनको रोक नहीं पा रहे हैं, या कम टाइम के लिए लोग अपने साथ अटैच हो पा रहे हैं. तो उसके लिए एक जरूरी चीज थी एजुकेशन सिस्टम. तो उसका पूरा बेस तैयार कर लिया गया है और अनुज जी के माध्यम से उनके नेतृत्व में हम लोग अच्छे से अच्छा आपको चीजें टूल्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि हमारे लोग जो है यहाँ पर नई चीजें जानकारियां लें, ट्रेंड हो और अपने लोगों को ट्रेंड करें. तो वो सिस्टम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं. थैंक यू. मैं बस लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि जो आज ये लाइव शेयर किया गया है ये आगे भी किया जाएगा. हम कोशिश करेंगे जैसा आज बताया गया 4 बजे वैसे ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सर का ज्यादा यूज कर पाएंगे. सर सब जगह नहीं पहुंच सकते लेकिन सर लाइव सब जगह पहुंच सकते हैं. आपने समय दिया, इसको सुना अच्छे से, तैयारी कीजिए, हम सब आपके साथ में है. इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ. नमस्कार. जय हिंद. जय राम. और जैसा कि टाइम टू टाइम बातचीत हुआ था कि अपन लोग मिलते रहेंगे, तो मैंने आपको पहले भी मिलाया और अभी दोबारा से सभी लोगों से मिलवाया. तो आप लोग इस चीज का कुछ ना कुछ लाभ उठाएंगे ऐसी उम्मीद है. और थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट. जय आरएमसीएल. जय आरएमसीएल. थैंक यू.